नमस्कार, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और BBC 24x7 में। जैसे कि आप सबको मैं बता दूं कि पटना में सुश्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, अपोजिशन का महागठबंधन, विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन को लेकर के चर्चा में मीटिंग करने के लिए पहुंची हैं और उनके साथ साथ तमाम और भी विपक्षी पार्टियों के दलों के सब समस्त लीडर्स वहाँ उपस्थित थे। आइए इसी विषय में देखते हैं और चीज़ों को स्पष्ट समझते हैं। आपको पता है, एक दिन लालू जी संसद में भाषण दे रहा था। जब हम भी MP था, लालू जी भी MP था, लालू जी भाषण दे रहा था, प्याज का भाव बढ़ गया, आलू का भाव बढ़ गया, सबको भाव बढ़ गया। तो मैंने बोला राबड़ी जी का भाव क्या है, बोलता है सबसे ज्यादा। ये परिवारवाद, भाई भाई भतीजावाद का मीटिंग हो रहा है, भ्रष्टाचारियों का मीटिंग हो रहा है। इसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है, अगली बार मोदी जी 400 पार। यही अरविंद केजरीवाल जो एक समय शरद पवार और लालू प्रसाद यादव को पूछते थे और कहते थे कि सबसे बड़ा चारा चोर और घोटालेबाज हैं ये, और आज इनकी ही गोद में यह बैठ के क्या कर रहे हैं, यह जानना चाहती है जनता जनार्दन तमाम विपक्षी पार्टियों से और अरविंद केजरीवाल से। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराते चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको आपने कह दिया तो हो जाए, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। कि केंद्र में फिर से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने तो हम आप सब लोगों से अपील करेंगे। और मैं क्या अपील करूं, आपका मूड देखकर, आपका मिजाज देखकर तो यही लग रहा है कि आप हर हालत में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाइएगा। ये हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। ये हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले काम है, उन्हें सहारे की जरूरत है।